सोनू, ये इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे इससे पूछना चाहिए। सोनू से पूछने के लिए मोहित ढाबा से बाहर आता है। सोनू, अरे ओ सोनू, इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? अरे मोहित, मैंने बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी है। मुझे लगता है वो जंगल से आया है, बस वही देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ सोनू, मैंने भी थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज़ सुनी है। रुको, मैं भी साथ में चल के देखता हूँ। सोनू और मोहित साथ में जंगल की ओर जाने लगता है। दोनों जंगल के अंदर घुसते हैं तो उन्हें अंदर कुछ जलता हुआ दिखाई पड़ता है। सोनू, आगे आग लगी हुई है, चलो जल्दी से आगे चल के देखते हैं। सोनू और मोहित जंगल के और अंदर जाने लगता है, पर उन्हें क्या पता कि कोई छिपकर उन दोनों को देख रहा है। सोनू और मोहित आग के नजदीक पहुंचता है, तभी कोई सोनू को पीछे से मारता है। कौन है? क्या हुआ सोनू? मोहित, किसी ने मुझे पीछे से मारा है। सोनू, तुम्हें कौन मार सकता है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। सोनू और मोहित बात कर रहे होते हैं, तभी दोनों के पीछे से कोई तेजी से भागता है। सोनू, तुमने सुना ना किसी के चलने की आवाज? हाँ मोहित, मैंने भी सुना। मतलब यहाँ हमारे अलावा भी कोई है, पर कौन हो सकता है? सोनू और मोहित को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, जो दोनों बहुत ध्यान से सुनता है। मोहित, ये आवाज तो पाइप से जूस पीने की आ रही है। हाँ सोनू, वो आवाज इधर से ही आ रही है, चलो जाकर देखते हैं। सोनू और मोहित जब आगे बढ़ता है तो उसे एक अजीबोगरीब जैसा दिखने वाला कार्टून दिखता है। मोहित, ये तो एक कार्टून है जो ग्रीमेश शेख पी रहा है। सोनू की बात ग्रीमेश शेख सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सोनू ने उसे कार्टून बोला था। मैं कार्टून नहीं हूँ, मैं ग्रीमेश शेख हूँ, और यदि तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अरे मोहित, ये कार्टून बोलता भी है और इसने अपना नाम ग्रीमेश शेख बता रहा है। वेरी फनी। ग्रीमेश शेख देखता है कि उसे देखकर दोनों खूब हंस रहा है, जिसके बाद वह वापस से जूस पीने लगता है। जूस पीने के बाद ग्रीमेश शेख उन दोनों के सामने आता है और अपने मुंह से जूस उन दोनों पर फेंकता है। जूस जैसे ही सोनू और मोहित के शरीर में जाता है तो दोनों छटपटाने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी तेज जलन क्यों हो रही है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मोहित और सोनू छटपटाते रहता है, तभी उसका शरीर का रंग पिंक हो जाता है और दोनों वहीं मारा जाता है। ग्रीमेश शेख सोनू और मोहित को मारने के बाद शहर की तरफ निकल जाता है। कुछ समय बाद ग्रीमेश शेख शहर के अंदर आ जाता है और तभी उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है। ग्रीमेश शेख तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है, जहां उसे कई लोग शेख पीते हुए दिखाई पड़ता है। ग्रीमेश शेख जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी को ग्रीमेश शेख कार्टून जैसा दिख रहा था। सभी को अपने ऊपर हंसता देख ग्रीमेश शेख को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह सबको सबक सिखाने का सोचता है। ग्रीमेश शेख सबको सबक सिखाने के लिए सबसे पहले वह अपना जूस पीने लगता है। जूस पीने के बाद ग्रीमेश शेख सबके ऊपर अपने मुंह से जूस फेंकने लगता है। जूस जैसे ही सभी के शरीर में जाता है तो तभी वहां सब छटपटाने लगता है और वहीं मर जाता है। सभी के मरते ही रेस्टोरेंट का मालिक डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। ग्रीमेश शेख को अब इंसानों से नफरत हो चुकी थी, इसलिए वह अब इंसानों को मारने का फैसला करता है। उधर गुप्ता जी आराम से सोफा में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी उनके मोबाइल में मिश्रा जी का कॉल आता है। हाँ मिश्रा जी, बोलो। गुप्ता जी, यहाँ कुछ मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत मिश्रा जी? गुप्ता जी, शहर में लोग अपने आप मरते जा रहे हैं। क्या? पर तुम हो कहाँ? गुप्ता जी, मैं आपके घर के मोड़ में हूँ। ठीक है मिश्रा जी, मैं अभी आता हूँ। गुप्ता जी तुरंत टीवी बंद करके घर से बाहर आ जाते हैं और मिश्रा जी के पास निकल जाते हैं। कुछ ही पल में गुप्ता जी मिश्रा जी के पास आ जाते हैं, जहां उन्हें दो लोग मरा हुआ दिखाई पड़ता है और उसका परिवार रो रहा था। मिश्रा जी, ये कैसे हुआ? इसकी मौत कैसे हुई?
पता नहीं गुप्ता जी, पर इन लोगों का कहना है कि जब ये दोनों जूस पिया तो अचानक इनका शरीर का रंग पिंक हो गया और इनकी मौत हो गई। मिश्रा जी का बात सुनकर गुप्ता जी समझ जाते हैं कि जूस में जरूर कोई जहर मिलाया है, तभी यह शख्स मारा गया है। गुप्ता जी, इसी तरह का हाल पूरे शहर में हो रहा है। मिश्रा जी, कोई जरूर जूस में जहर मिलाया है। हमें इस जूस को पीने से सभी को रोकना होगा और पता लगाना होगा कि यह काम किसने किया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी पूरे शहर में घूमने लगते हैं और देखते हैं कि कई लोग जूस पीने के बाद मर गए हैं। गुप्ता जी, हमें जल्दी से इसे रोकना होगा, नहीं तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। हाँ मिश्रा जी, पर इसके लिए हमें जल्दी से जूस का स्टोर जाना होगा और यह सब बेचने से रोकना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट जूस का दुकान जाते हैं और दुकान के मालिक से बात करते हैं। दुकान का मालिक कल रात की बातें गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताने लगता है। अच्छा, ये सब काम ग्रीमेश शेख का है। ठीक है, वो हमसे बचेगा नहीं, पर तुम अपना जूस किसी को मत बेचना और यदि फिर से ग्रीमेश शेख यहाँ आया तो मुझे कॉल करके बताना। गुप्ता जी और मिश्रा जी दुकानदार को समझाकर और अपना नंबर देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी नजर ग्रीमेश शेख पर पड़ जाती है, जो वहीं छिपकर सब कुछ देख रहा था। मिश्रा जी, वो कौन है जो हमें छिपकर देख रहा है? कहीं वही तो ग्रीमेश शेख तो नहीं? हाँ गुप्ता जी, मुझे भी लग रहा है वो ग्रीमेश शेख ही है, क्योंकि देखने में तो एकदम कार्टून जैसा दिख रहा है। मिश्रा जी, चलो उसे पकड़ते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही ग्रीमेश शेख के पास जाते हैं, तब तक में वह जंगल की तरफ भागने लगता है। मिश्रा जी, वो तो जंगल की तरफ भाग रहा है, हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। ग्रीमेश शेख को पकड़ने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी भी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ग्रीमेश शेख का पीछा करते करते गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल तो पहुंच जाते हैं, पर ग्रीमेश शेख दोनों के नजर से ओझल हो जाता है। गुप्ता जी, आखिर वो ग्रीमेश शेख अचानक कहां गायब हो गया? पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते हुए अपने आगे ग्रीमेश शेख को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रीमेश शेख उन दोनों के पीछे से गुजरता है। गुप्ता जी, कोई हमारे पीछे से गया है, मुझे महसूस हुआ है। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौकन्ना होकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ आवाज आता है। गुप्ता जी, ये आवाज तो किसी के जूस पीने की आ रही है, मुझे लगता है जरूर ग्रीमेश शेख आगे ही है। वो देखिए गुप्ता जी, वहाँ छिपकर ग्रीमेश शेख जूस पी रहा है, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। मिश्रा जी रुको, ग्रीमेश शेख अपने जूस से सबको मार रहा है और यदि वो तुम पर भी जूस गिरा दिया तो तुम भी मारे जाओगे। गुप्ता जी के बताने के बाद मिश्रा जी तुरंत एक डंडा उठा लेता है। गुप्ता जी, आप ठीक है ना? यदि वो मेरे ऊपर जूस फेंकने वाला होगा तब तक मैं उसे मार डालूंगा। गुप्ता जी मिश्रा जी को कुछ समझा पाते, लेकिन तभी गुप्ता जी को किसी का कॉल आता है और तभी मिश्रा जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, रखो फोन। मिश्रा जी रुको, जल्दी से यहाँ आओ। गुप्ता जी क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुला लिया? मैं उसे मारकर यह खेल खत्म करने वाला था। मिश्रा जी, जैसा हम सब सोच रहे हैं ये इतना आसान नहीं है। गुप्ता जी, आप बात को इतना घुमा क्यों रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना। रुको मिश्रा जी, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। गुप्ता जी जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लेते हैं और ग्रीमेश शेख के तरफ फेंकते हैं। जैसे ही पत्थर का टुकड़ा ग्रीमेश शेख के पास जाता है, तभी वहाँ हलचल बहुत तेज हो जाती है और तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी किसी को देख कर चौंक जाता है। गुप्ता जी, ये लोग तो। हाँ मिश्रा जी, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि ग्रीमेश शेख के साथ कई सारे ज़ॉम्बीज हैं। गुप्ता जी, हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो इससे बच नहीं पाएंगे। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो जल्दी यहाँ से निकलो। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहाँ से भागते हैं। ज़ॉम्बीज़ों, पकड़ो उन दोनों को, वो बचना नहीं चाहिए। ग्रीमेश शेख के बोलते ही सभी ज़ॉम्बीज गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए उनके तरफ जाने लगता है। मिश्रा जी जल्दी से बाबा के पास चलो, नहीं तो हम दोनों भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे।
वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर ज़ॉम्बीज कहाँ से आया अचानक? मिश्रा जी, ये सभी ज़ॉम्बीज वही लोग हैं जो ग्रीमेश शेख के द्वारा मारा गया था। क्या मतलब ग्रीमेश शेख के कारण लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं? बाप रे, ये ग्रीमेश शेख तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ मिश्रा जी, अब चलो जल्दी से बाबा के पास। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों रुक जाते हैं क्योंकि सामने से भी ज़ॉम्बीज आ रहा होता है। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए हैं, आगे से और पीछे से भी ज़ॉम्बीज आ रहा है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, हम दोनों इधर से भागते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। गुप्ता जी, अब हम बच नहीं सकते हैं, लगता है अब हम दोनों भी ज़ॉम्बीज बनेंगे। गुप्ता जी अपने अगल बगल देखते हैं तो उन्हें मिश्रा जी के हाथ में एक डंडा दिखाई पड़ता है जिससे उनका दिमाग की बत्ती जलती है। मिश्रा जी, तुम्हारे पास जो डंडा है वो मुझे दो। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी तुरंत अपना डंडा उन्हें दे देते हैं। मिश्रा जी, यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाओ। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए गुप्ता जी अपने डंडे से उस पर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ो, तुम में से कोई नहीं बचेगा, ये लो ये लो। व्हाट अ शॉट गुप्ता जी, क्या शॉट मारा आपने। मिश्रा जी, तुमको बहुत मजा आ रहा है ना, पर जल्दी यहाँ से निकलो नहीं तो पीछे वाला ज़ॉम्बीज तुम्हें मार देगा। अरे हाँ गुप्ता जी, मैं तो भूल ही गया था। गुप्ता जी अपने डंडे से सामने वाले ज़ॉम्बीज को मार मार कर हटा देते हैं और फटाफट दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने चंगुल से भागता देख ग्रीमेश शेख को बहुत गुस्सा आ जाता है। ज़ॉम्बीजो, तुम सभी क्या कर रहे हो? सिर्फ दो बच्चों को पकड़ नहीं पा रहे हो, नालायक हो। जाओ जल्दी से दोनों को पकड़ के मेरे पास लाओ। ग्रीमेश शेख का बात मानते हुए सभी ज़ॉम्बीज गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम जाने लगता है, पर रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बीज दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, ज़ॉम्बीज पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है, हमें जल्दी से उसे खत्म करना होगा नहीं तो ज़ॉम्बीज का संख्या और भी बढ़ेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी ज़ॉम्बीजों से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर से कुछ ज़ॉम्बीज आगे आ जाता है। ये सभी बहुत जिद्दी है, बिना मार खाए रास्ता नहीं देगा। गुप्ता जी अपने डंडे से ज़ॉम्बीज को मार मार कर रास्ता क्लियर करने लगते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां दोनों देखते हैं कि बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी और मिश्रा जी के प्रणाम करते ही बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। आओ गुप्ता जी, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे, क्योंकि शहर में क्या चल रहा है वो मुझे पता है। बाबा आपने बिल्कुल सही कहा, पर उस ज़ॉम्बीज का अंत कैसे होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज पर डंडा से हमला करने के बाद भी वह मरता नहीं है। हाँ मुझे पता है गुप्ता जी, वह सभी ज़ॉम्बीज नहीं मरता है, पर उसे वापस से ठीक किया जा सकता है। ज़ॉम्बीजों को वापस कैसे ठीक किया जा सकता है बाबा, पर वह सभी तो मारा गया है ना? नहीं गुप्ता जी, ग्रीमेश शेख के जूस से सभी गहरे नींद में सो गए हैं और ज़ॉम्बीज बन गए हैं। क्या मतलब बाबा, सभी व्यक्ति अभी भी जीवित हैं? हाँ मिश्रा जी, और उन सभी व्यक्ति को ठीक भी किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा, चलिए जल्दी से सभी को ठीक करते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ों को ठीक करने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी आश्रम से बाहर जाने लगते हैं। निकम्मा ज़ॉम्बीज, तुम लोग कोई काम के नहीं हो, इतने सारे ज़ॉम्बीज मिलकर भी दो लोग को पकड़ नहीं पाए निकम्मो। गुप्ता जी और मिश्रा जी ग्रीमेश शेख के हाथ नहीं आया था, इसलिए वह बहुत गुस्सा में होता है। कोई नहीं, यदि वो दोनों मुझे दिख गया तो मैं उसे खा जाऊंगा। जाओ तुम सब, यदि वो दोनों कहीं भी मिला तो मुझे बताना। ग्रीमेश शेख का बात मानते हुए सभी ज़ॉम्बीज गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोजने के लिए निकल जाता है और साथ में ग्रीमेश शेख भी जाता है। बाबा आपने बताया नहीं कि आखिर कैसे सभी ज़ॉम्बीजों को ठीक किया जा सकता है। गुप्ता जी के पूछने पर बाबा अपनी शक्ति से एक घंटी लाते हैं। गुप्ता जी ये देखो, ये है चमत्कारी घंटी, जिसके बजते ही ज़ॉम्बीज वापस से इंसान बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, चलिए बाबा जल्दी से सबको ठीक करते हैं। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी ज़ॉम्बीज को खोजने लगते हैं। बाबा आगे कुछ ज़ॉम्बीज है, चलिए उन्हें वापस से इंसान बनाते हैं।
मिश्रा जी का बात मानते हुए बाबा अपनी घंटी उन जोम्बीजों के सामने जाकर बजा देते हैं। घंटी के बजते ही उन जोम्बीज का बुरा हाल होने लगता है और सभी देखते हैं कि जोम्बीज उल्टी कर रहा है। छी, ये तो उल्टी कर रहा है। उल्टी होने के बाद सभी देखते हैं कि जोम्बीज वापस से इंसान बन गया है। ये तो सच में काम कर गया गुप्ता जी, अब हम सब बहुत ही आसानी से जोम्बीज को इंसान बना सकते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा फटाफट जोम्बीज को खोजने लगते हैं और उन्हें वापस से इंसान बनाने लगते हैं। बाबा, इस तरह एक एक जोम्बीज को ठीक करते करते रात बीत जाएगी, हमें कुछ करना होगा जिससे जल्दी से सभी ठीक हो जाए। गुप्ता जी के बोलने पर बाबा दोनों को एक उपाय बताते हैं। ठीक है बाबा, आप हमारे अगल बगल ही रहिएगा, मैं और मिश्रा जी सभी जोम्बीज को एक जगह इकट्ठा करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कई जोम्बीज देखता है और एक एक करके सभी जोम्बीज उन दोनों का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी, चलिए जल्दी से सभी जोम्बीज को इंसान बनाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को आगे बाबा दिखाई पड़ते हैं जो उन दोनों को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। सभी जोम्बीज को लेकर गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से बाबा के पास आ जाते हैं। तुम दोनों अब पीछे हो जाओ, मैं इन सभी को एक साथ वापस से ठीक कर देता हूँ। बाबा उस घंटी को तेजी से बजाने लगते हैं। घंटी की आवाज से सभी जोम्बीज का बुरा हाल होने लगता है और तभी सभी जोम्बीज उल्टी करने लगता है। उल्टी होने के बाद सभी जोम्बीज वापस से इंसान बन जाता है, जो कि यह सब छिपकर ग्रीमेश शेख देख रहा था। सभी जोम्बी को वापस से इंसान बनता देख उसे बाबा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम तीनों नहीं बचोगे, मेरा फौज को तुमने खत्म किया, अब मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा और फिर से मैं सबको जोम्बीज बना दूंगा। ग्रीमेश शेख चुपचाप बाबा के पास जाने का फैसला करता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, सभी जोम्बीज अब इंसान बन गया है और अब ग्रीमेश शेख बचा है। हाँ बाबा, पर वो किधर हो सकता है? रुको, मैं भी पता लगाता हूँ। बाबा अपना आँख बंद करते ही है तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि बाबा के शरीर का रंग बदल गया है और उनके हाथ से घंटी नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है बाबा को? बाबा का रंग तो चेंज हो गया है। गुप्ता जी के मन में शक होता है और वह थोड़ा हट के देखते हैं तो उन्हें बाबा के पीछे ग्रीमेश शेख दिखाई पड़ता है जो गुप्ता जी को देख कर हंसने लगता है। बाबा के नीचे गिरते ही गुप्ता जी अपने पीछे मुड़कर ग्रीमेश शेख को जान से मारने की धमकी देते हैं और मिश्रा जी बाबा के पास ही रहते हैं। बाबा, बाबा उठिए। मिश्रा जी के कई बार पुकारने पर भी बाबा नहीं उठते हैं। तुम्हारे बाबा उठ नहीं सकते हैं क्योंकि अब वो जोम्बीज बनने वाले हैं। ग्रीमेश शेख का बात सुनकर गुप्ता जी गुस्सा में डंडे से उस पर वार करते हैं पर वो अपने आप को बचा लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे? रुको, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचा देता हूँ। ग्रीमेश शेख अपने आप को बड़ा कर लेता है। गुप्ता जी, ये कार्टून ग्रीमेश शेख अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया है, हमें यहाँ से भागना होगा नहीं तो मारे जाएंगे। गुप्ता जी मिश्रा जी वहाँ से भागना चाहते थे पर बाबा को छोड़कर दोनों को जाने का मन नहीं होता है और तभी ग्रीमेश शेख गुप्ता जी मिश्रा जी और बाबा को खा जाता है। सभी को खाने के बाद ग्रीमेश शेख बहुत खुश हो जाता है और अपने आप को छोटा कर लेता है। तुम तीनों कुछ समय बाद मेरे पेट में मारे जाओगे और मैं यहाँ के लोगों को फिर से जोम्बीज बना दूंगा। ग्रीमेश शेख सबको फिर से जोम्बीज बनाने के लिए निकल जाता है। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी और बाबा ग्रीमेश शेख के पेट में फंस जाते हैं जहां सभी बेहोश पड़े हुए हैं। कुछ समय बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को धीरे धीरे होश आने लगता है पर बाबा अभी भी गहरे नींद में थे। गुप्ता जी, हम सब कहां आ गए हैं? ये कौन सी जगह है और बाबा बेहोश क्यों हैं? मिश्रा जी, तुम भूल गए क्या? हम सब ग्रीमेश शेख के पेट में हैं। उसने बाबा पर अपने जूस से हमला कर दिया था जिसकी वजह से बाबा अभी तक सो रहे हैं। अरे हाँ गुप्ता जी, मैं तो भूल ही गया था, पर अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता है मिश्रा जी, पर जरूर यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने चारों तरफ अच्छे से देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ गंदगी दिखाई पड़ती है।
गुप्ता जी, ये ग्रीमेश शेख क्या क्या खा कर बैठा है? हाँ मिश्रा जी, पर तुम्हें वो दिखा? गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि उन्हें मारने के लिए ग्रीमेश शेख का वायरस उनकी तरफ आ रहा है। गुप्ता जी, ये तो वायरस है जो ग्रीमेश शेख जैसा दिख रहा है। हाँ मिश्रा जी, ये सभी वायरस है, हमें इससे बचना होगा और इसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर गुप्ता जी, इसे कैसे खत्म करेंगे? मिश्रा जी इस डंडे से इन सभी वायरस को मार डालेंगे। गुप्ता जी अपने डंडे से वायरस को मारने लगते हैं। उनके एक ही प्रहार से वायरस मारा जा रहा था, पर बार बार नया वायरस जन्म होता जा रहा था। गुप्ता जी, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, आप कब तक इससे मुकाबला कर पाएंगे? पता नहीं मिश्रा जी, पर जब तक जान है तब तक करता रहूंगा। मिश्रा जी पीछे से सब देख रहा था, तभी एक वायरस मिश्रा जी के पीछे जन्म लेता है और उस पर हमला करने लगता है। गुप्ता जी मुझे बचाइए। मिश्रा जी मैं अभी आया। गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी के पास जाते हैं और उनकी जान बचाते हैं। मिश्रा जी तुम ठीक तो हो ना? हाँ गुप्ता जी, पर यहाँ तो वायरस ही वायरस है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये सभी हमें मार डालेगा। मिश्रा जी चलो यहाँ से निकलते हैं। कहाँ से निकलेंगे गुप्ता जी, यदि बाबा ठीक होते तो अब सब बाहर निकल आते हैं। बात तो सही है मिश्रा जी, पर आगे देखो, वहाँ जाने का रास्ता है। गुप्ता जी वायरस को मारते मारते आगे बढ़ते हैं और पीछे पीछे मिश्रा जी भी जाने लगता है। गुप्ता जी एक एक करके सभी वायरस को मार देते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इधर बाबा के ऊपर ग्रीमेश शेख का असर होने लगता है, इसलिए वह अपनी आंखें खोलते हैं और ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। बाबा ज़ॉम्बीज बन गए थे, इसलिए अब ज़ॉम्बीज की तरह वह चिल्ला रहे थे, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी को सुनाई पड़ता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आवाज सुनकर पीछे मुड़ते हैं, तो उन्हें ज़ॉम्बीज दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, बाबा तो ज़ॉम्बी बन गए हैं, अब हम दोनों बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपके अपने न्यूज चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में न्यू स्टोरी 27 अगस्त को आने वाला है, जिसका नाम खूनी पेड़ है, जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तो रेडी रहना सभी लोग आज सुबह 10 बजे। गुप्ता जी बाबा इधर ही आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे। मिश्रा जी हमें यहाँ से भागना होगा, चलो इस पाइप के अंदर जाते हैं। बाबा से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत पाइप के अंदर चले जाते हैं। गुप्ता जी ये पाइप तो बहुत मुलायम है। अरे मिश्रा जी, ये ग्रीमेश शेख का फूड पाइप है, मुलायम तो होगा ही ना। गुप्ता जी और मिश्रा जी पाइप को पार करने के बाद दूसरी तरफ पहुँचते हैं, जहाँ चारों तरफ जहर था। ओह माय गॉड, ये तो ग्रीमेश शेख का पेट है, हमें इससे पार करके आगे जाना चाहिए। मिश्रा जी अगर जिंदा बचना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना, नहीं तो नीचे गिरते ही खत्म हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं गुप्ता जी, आप मुझे समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? तुम जो समझो, पर अपने पीछे देखो, बाबा इधर ही आ रहे हैं। अरे गुप्ता जी जल्दी चलिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे पेट की नदी को पार करने लगते हैं और पीछे बाबा भी आने लगते हैं, जो ज़ॉम्बी बन गए थे। राम 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 राम, मरा 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 मरा। मिश्रा जी तुम मरा मरा क्यों बोल रहे हो? गुप्ता जी अपने आगे तो देखिए पहले। ओ सीट, ये सब यहाँ भी है। मिश्रा जी घबरा नहीं, मैं इन सभी को मार मार कर भगा दूंगा। पता नहीं गुप्ता जी, पर आगे और पीछे दोनों तरफ खतरा है और नीचे खाई है। मिश्रा जी तुम घबरा नहीं, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे वायरस गुप्ता जी के पास आता है, वैसे वैसे वो अपने डंडे से उन सभी को मारने लगते हैं। गुप्ता जी जल्दी कीजिए, बाबा हमारे नजदीक आ गए हैं। हाँ मिश्रा जी मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी जल्दी ग्रीमेश शेख का पेट को पार कर लेते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी अब ये कौन सी जगह आ गए हैं? गुप्ता जी अपने चारों तरफ देखते हैं, तो उन्हें एक दिल दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी ये ग्रीमेश शेख का बॉडी के बाहर निकलने का जगह है, वहाँ देखो ग्रीमेश शेख का दिल, यदि हम उसे नष्ट कर देंगे तो शायद हम बच सकते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी देखता है कि गुप्ता जी पर हमला करने वाला बाबा है।
ओह नो, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। बाबा बार बार गुप्ता जी को मारने लगते हैं। बाबा होश में आइए, मैं गुप्ता जी हूँ। गुप्ता जी के कई बार बोलने पर भी बाबा होश में नहीं आते हैं, बस गुप्ता जी पर हमला करते रहते हैं। लगता है बाबा होश में नहीं आएंगे, मुझे कुछ और करना होगा। गुप्ता जी दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक वेपन दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी वहाँ देखो, एक वेपन है, तुम उसकी मदद से ग्रीमेज शेख का दिल नष्ट कर सकते हो। तब तक मैं बाबा का ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी जल्दी से वेपन को उठा लेता है। वेपन उठाते ही वहाँ ग्रीमेज शेख का वायरस मिश्रा जी पर हमला करने के लिए आने लगता है। ओ नो, अब मैं क्या करूँ, गुप्ता जी ये सभी वायरस मुझे मार डालेगा। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, तुम वेपन से उन सभी वायरस को मारो और मौका देखते ही दिल पर भी वार करो। ठीक है गुप्ता जी, ये ले, अब तू भी ले। मिश्रा जी वेपन की मदद से एक एक करके वायरस को मारने लगता है और गुप्ता जी बाबा का ध्यान अपनी ओर खींचे रहते हैं। अभी कहीं वायरस नहीं दिख रहा है, यही सही समय है दिल पर हमला करने का। मिश्रा जी इस बार दिल पर हमला करता है, जिसके बाद ग्रीमेज शेख को कुछ अनुभव होता है। ये क्या हो रहा है, मुझे अंदर से तकलीफ क्यों हो रही है। मिश्रा जी लगातार जल्दी जल्दी दिल पर हमला करने लगता है, जिसके बाद ग्रीमेज शेख को बहुत तेज तकलीफ होने लगती है। ग्रीमेज शेख दर्द के कारण उछलने लगता है, जिसके बाद अंदर सब कुछ हिलने लगता है। गुप्ता जी, अचानक ये भूकंप कहाँ से आ गया। मिश्रा जी, ग्रीमेज शेख दर्द से उछलता होगा, इसलिए यहाँ भूकंप आया है, तुम वेपन से हमला करते रहो। मिश्रा जी वेपन से बार बार हमला करने लगता है। रुक जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं कहाँ आ गया। मिश्रा जी उठो, हम सब ग्रीमेज शेख के बॉडी से बाहर आ गए हैं। ग्रीमेज शेख के बॉडी से बाहर आने पर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, पर बाबा अभी भी जॉम्बीज बने हुए थे। मिश्रा जी चलो जल्दी से वो जगह जहाँ चमत्कारी घंटी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दौड़ कर वह जगह पहुँच जाते हैं और चमत्कारी घंटी को उठाकर बाबा के सामने बजाने लगते हैं। तो दोस्तों, ग्रीमेज शेख का स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।